नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। मैं सानिया जैन आपके साथ। खरगोन जिले में कोरोना पॉजिटिव के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ती जा रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले 72 घंटे में खरगोन जिले में 44 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। उसके बाद भी खरगोन शहर के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नहीं नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन खुलने के बाद से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खरगोन शहर सहित जिले भर में लॉकडाउन खुलने के बाद से ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा बार बार हिदायत देने और चालानी कार्यवाही के बावजूद कई लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिससे कोरोना के संक्रमण का खतरा बना हुआ है। बाजारों में सब्जी, फल, फ्रूट व्यापारियों सहित अन्य व्यापारी बिना मास्क के ही व्यापार करते नजर आ रहे हैं, जिससे कोरोना के मामले और बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस मामले को लेकर CMHO डॉक्टर रजनी डावर ने लोगों से अपील भी की है, लेकिन अपील का भी कोई खासा असर होता नजर नहीं आ रहा है। अपील ये और गोगाव से और खरगोन से है हमारे कि हमारे 169 केसेस 169 केसेस पॉजिटिव हो गए और अभी जो है मतलब हमारे एक्टिव केस 32 है और जो है अभी 106 पेशेंट जो हमारे डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी तक जैसे देखी है कि हमारे मैडम कारण क्या है जो लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं? केसेस बिल्कुल हम बढ़ते जा रहे हैं। इसमें तो कुछ ये देखा जा रहा है कि मतलब लोगों ने सही ढंग से मतलब अपना खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि किसी के यहाँ कुछ हो रहा है, वो पॉजिटिव केसेस है, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए उनके घर मिलने जा रहे हैं, या फिर ऐसा है कि बिना मास्क यूज किए कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। जैसे अभी हम मार्केट में देख रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, और साथ ही मतलब सैनिटाइजर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस तरह से मतलब हमारे केसेस मतलब दुकानों में जा रहे हैं, वहाँ से केसेस लोग पॉजिटिव निकले हैं जो हमारे व्यापारी से मतलब उससे तो मिस्टेक से जो है जब तक हम लोग स्वयं का ध्यान नहीं रखेंगे तो होगा। और जो हमारे खासकर मेरा उन लोगों से विशेष आग्रह हमेशा रहा है और रहेगा भी कि जो हमारे डायबिटिक और हाइपरटेंसिव जो मरीज हैं, जो हमारे 40 से ऊपर हैं, वो लोग हमारा शायद अपना और उनके परिवार के लोग विशेष ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि वो कभी भी जरा भी मतलब कांटेक्ट में आते हैं या बाहर निकल रहे हैं, बहुत अधिकांश पॉजिटिव हो जाते हैं। क्या संदेश देंगे मैडम जी? वो ये है कि स्वयं की हमें सुरक्षा करना है, घर पे रहें, और खासकर 40+ के जो लोग डायबिटीज हैं, हाइपरटेंसिव हैं या COPD के पेशेंट हैं, कोई क्रॉनिक उनको डिजीज है, बीमारी है, उनकी इम्यूनिटी कम है, वो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले। जो छोटे बच्चे हैं हमारे 10 साल से ऊपर, वो घर से बाहर ना जाए, अनावश्यक रूप से घर पे ही अपना मतलब स्वास्थ्य रखें, अच्छे से खाएं और अच्छा स्वस्थ भोजन लें और अपना बैलेंस डाइट लें और अपना अच्छा पानी पिएं और दवाइयाँ बराबर लें। यदि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं और तो हम उनकी पूरी सुरक्षा करेंगे, उनको मेडिसिन उनके घर तक बिल्कुल पहुँचाएंगे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।